ध्यान रखना, कोई दिक्कत है मुझे फोन कर देना, ठीक है। वैसे सजने में ज्यादा टाइम ना लग गया तो सजने ने मैं नहीं, मेरे को कपड़े समझ में नहीं आते, पता गाइस मैं शादी पे भी शूज ही पहनूंगी, देख लेना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 9। आज जाना है हमें एक शूट पे एरोसिटी, जिसमें आदि, शिवानी और भी बहुत लोग होंगे। औरों को नहीं जानती मैं, आदि और शिवानी को जानती हूँ। तो आदि आएगा, अभी जल्दी से चाय वाय पीते हैं। दिक्कत तो यही है कि पहनूं क्या। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रोज का नाश्ता क्या होता है। अभी वैसे दिवाली चल रही है तो लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, लोग अपने घर के बाहर पाइप लगे खड़े हैं। तो नाश्ता दिखाती हूँ। डुबिया मैं चले जाऊँगी, उठ जाओ डुबिया। ये मेरी है पीनट बटर ब्रेड, ये बिल्डिंग बनती है रोज। ये चाय है, ये मेरी मम्मी पुरानी सब्जी से ब्रेड खा रही है इनका हमेशा का। गुड्डू उठ जा, इसको पता है मैं चली जाऊंगी फिर भी नहीं उठ रहा। ये देखिए खुशी के मुंह पे पीनट बटर, मतलब इसकी आदत है ये, कुछ भी खाएगी तो ये मुंह पे इधर उधर लगा के जरूर छोड़ेगी, क्लीननेस में खा ही नहीं सकती। मम्मी ने स्पेशली बोला कि जाके ब्लॉग में बताओ कि नहीं खाना आता ढंग में। मैं सच में खाते में इधर इधर लगा रहता है, आज यहाँ लग गया तो मैंने टोक दिया, और जब तक मैं नहाऊंगी तब तक ये हटेगा भी नहीं। मैं देखती नहीं अपने मुंह खाने के बाद कैसे कैसे। वो तो आज यहाँ शीशा लगा हुआ है, वरना मेरे रूम में बैठ के चाय पीते हैं। आज महाराज जी उठे, महाराज जी हमारे खत्म हो गए चाय, अपनी आँखें खोल लीजिए। न्यू बैलेंस गिने चुने लोग पहनते, वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाले मोस्ट चार्मिंग पर्सनैलिटी एवर, सी यू नेक्स्ट टाइम। मेरे को मैं दिखा रही हूँ मैं क्या क्या लाई थी। ये तो काम नहीं करती मुझे, मेरा नाम पाए काम तो कुछ नहीं करती। ओके भाई की सेम जैकेट टेन के पास नहीं है, अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी, उन्होंने अप्रूव कर दिया यार। अच्छी है, ठीक अच्छी है भाई, अच्छी लगा सब लाई जो मैं। वो पहनना तो होगी भाजी, वो होगा दिखाया क्यों जब आपको कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा है, खड़ी है मैडम, ये अभी तैयार हो गई है और आदि चार आने वाला है। कुछ बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल भी। ये तो कुछ ज्यादा ही वैसी वाली फैंसी है, पता लगेगा क्या ये शुरू कहाँ से खत्म कहाँ से है। मंगाई क्यों थी फिर, जो पता नहीं था शुरू कहाँ से खत्म कहाँ से। मैं थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। दीदी ने मुझे लोकेशन भेज दी, वो पहुंच गई, लेकिन मुझे समझ में पहनूं क्या। वो ऑन टाइम है लेकिन मेरे को समझ में क्या पहनूं। मैं ड्रेस है लेकिन ड्रेस ओवर हो जाएगी, इसलिए मैं ड्रेस पहनना नहीं चाहती। गाइस प्रेस हम तैयार हो चुके हैं, बाकी प्रेस हो रहे कपड़े, ठीक कर दो मम्मी फिर सर ले अपने लिए। हाँ जित बस जितनी होगी उतनी कर दो, हम जल्दी से ड्रेस पहन के ड्रेस के लिए अपनी हील रख लेते हैं। वी आर रेडी, टैटू दिखेगा इसमें। गाइस आई एम रेडी, आई एम गोइंग। मम्मी ध्यान रखना, कोई दिक्कत है मुझे फोन कर देना, ठीक है। गुड्डू ध्यान रखियो अपना। गाइस आदि जी शेयर, मेरा भी चालू आपका भी चालू, देखो आज आपके साथ वाला व्लॉगर है। और ये तो देखो ब्लैक ड्रेस, सेम है ट्यूनिंग कर रहे हम। आदि वैसे लेट है लेकिन ये ऐसे दिखाया कि टाइम पे है, लेकिन ये है नहीं। बीच में खड़ी कर दिया आपने, इधर ट्रैफिक में क्यों रहती हो आप वैसे। मैं तो देखना कितना शांत इलाका है मेरा, शांत देखो। आज आदि जी बहुत सुंदर बन के आए, फुल ब्लैक। अच्छा इसकी बात कर रहे थे आपकी वाली ब्लैक वाली की। हां 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 बढ़िया लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा गोप्रो तो देख लो। हां लो देखो, देख के खुश हो जाओ। क्या बात है, नाइस। ये देख रहे हो तुम लड़की कितनी सुंदर लग रही है आज। थैंक यू, सही है। हे गाइस, तो इसको वाइड करो ना यार, भाई इसकी सेटिंग कर, इसकी सेटिंग कर यार, देखिए। सो हे गाइस, गोप्रो की सेटिंग हो गई, खुशी की गोप्रो की सेटिंग हो गई, हो गई सेटिंग। हां वाइड एंगल कर दिया, आवाज दिखाना इसकी, इस ये वाले क्लिप रिकॉर्ड करके। अब हमें बहुत ज्यादा लंबा रास्ता कवर करना है, क्योंकि हम जाना है एरोसिटी, जो इस टाइम बहुत भीड़ होगी क्योंकि दिवाली का टाइम है, और हम घंटे भर में हमने पहुंचेंगे। मेरी मम्मी पहले बोल के भेजी, मैंने कहा मम्मी अच्छी बात बोला कर, उनका बेटा तुम 12 बजे तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। वैसे सजने में ज्यादा टाइम ना लग गया, सजने ने मैं नहीं, मेरे को कपड़े समझ में नहीं आते, पता हमने कितने मुझे कॉम्प्लिकेट कर दिया। जिम के कपड़े मत पहना करो इतने, सही करा है ना। हाँ तो अब देखो मैं तो लोग कमेंट भी तो करते हैं ना। हाँ तो फिर आपकी वजह से मेरे को इतना सोचना पड़ा, जब आदमी के पास कपड़े वही हो तो उसे ढूंढने में टाइम लगता है ना कपड़े। तो मेरे बड़ी मुश्किलें हैं, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, समझते नहीं आप यार। फीवर कैसा है तुम्हारे, ये बताओ। मेरे फीवर ठीक है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। ब्लड टेस्ट के बाद डर के मारे अपना बग्गो फीवर है, मैं अब ठीक हूँ। मेरे अंदर ना खून की थोड़ी कमी आई है। अच्छा, मतलब 12 से 15 होना चाहिए, मेरे में पहले 14 था, अब 11 हो गया, 5 हो गया था। मेरी मम्मी का खून, मम्मी को तो खून चढ़वाने के लिए कह दिया था, लेकिन फिर मेरी मम्मी को तुम्हारी मम्मी से तो मिलना था, मुझे मिला ही नहीं। मिलने ना आओगे ना अभी आप साथ में, अभी तुम्हारी मम्मी ने 10 बार बोला है मिलने के लिए। हाँ तो अभी आएंगे ना साथ में तो मिलवाना, अब तो सुबह सुबह मम्मी ऐसी ऐसी घूमती रहती है ना, सुबह मिलती नहीं। अच्छा अपॉइंटमेंट ले, लेडीजों को तैयार होने में टाइम लगता है ना, समझो। लो भाई आप कह रहे हो तो ये फ्लैश खुली नहीं है। हाँ
बड़ी दूर से पहचानने हुए गाड़ी से चलते देगा आपको। अच्छा इसलिए थैंक यू। मैं डीडवाना नागौर से आया हूँ। ये कहाँ पड़ता है? डीडवाना नागौर जयपुर के पास। अच्छा, जयपुर के पास। जयपुर तो हमारी नानी का घर है ना, वहाँ तो आते रहते हैं। मैंने आपको देखते पहचान लिया था। बाय बाय बाय। तो लोगों ने कितनी फोटो खिंचवाई थी, अभी भी वहाँ खड़े लोग फोटो शूट कराते। अगर ये लाइट होती ना तो यहाँ भी वीडियो बनती। स्लिप ऑफ टंग हो गया। आएगा सबको, आएगा। ये टाइम चल रहा है। उसी के पास फोन करा, ऐसे मरी मरी से बात कर रही थी। आपकी एनर्जी लग रही है इसमें। नहीं, कल सच्ची में मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, अब फिर भी ओके है। ब्लड फीवर चढ़ रहा है, ब्लड देख है, गुड़गांव भाग रही है। ऑप्शन नहीं है ना, घर में बैठ के कैसे करूंगी काम। ये दिक्कत है क्या? हाँ, अबे ये कुछ रोजगार बता दो इसको यार, कुछ काम वाम बता दो जो कुछ कर ले। मैं ठाली नहीं रह सकती, मैं रोजगार बताओ यार। कमेंट नहीं, वैसे उस ऐसी बात भी नहीं है, मैं घर पे बैठ ही नहीं सकती। मेरे में चूल्हा है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। घर में गाड़ी सीख रही हूँ मैं, चलानी सीख रही हूँ, मेरी क्लास चल रही है। मैं बैठी करूँ फिर तुम चलाना। ठीक है, लेकिन ना वो मुझे मैनुअल सिखा रहा है, मुझे मैनुअल चलानी नहीं है। ऑटोमेटिक चलानी है, ऑटोमेटिक लेनी भी ऑटोमेटिक। हाँ, तो वो सिखा मैनुअल, कह रहे आपको आनी सारी चीज़ें। खुले रोड पे चलता हूँ, किस दिन ऑफ रोडिंग करने चलते हैं ना, वहाँ चलाना कैसे। ऑफ रोडिंग में तो कैसे रेस दबाओ, घुमाओ, चलाओ, कुछ करो। ठीक है, ग्राउंड होना थोड़ा बड़ा सा। अब आपके सामने आगे एक ब्लॉग आएगा कि आदिनगर टीचिंग में हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं आपको अभी से टाइटल बता रही हूँ और उस ब्लॉग का बस इंतजार करना। जल्दी ऑफ रोडिंग पे जाने वाले हैं हम, पहुंच चुके हैं। लेकिन इनको लग रहा है इन्होंने शायद गलत जगह होते थे। हमें ये था कि हमें 5-star होटल में जाना है, लेकिन इसने हमें कैफे क्लब्स में लाकर रोक दिया। अब ढूंढ लेंगे 5-star होटल। देखिए 5-star होटल इन गलियों में मिलेगा क्या आसपास की? ये यार गूगल बहुत करती है चीजें। गूगल बेटा सुधर जा, गूगल देर में भी पेनल्टी लगी है ना, सुधर जा। लेकिन मर जाओगे बेटा। ये नहीं पता जाना कहां है, क्या करेंगे जिंदगी में। हमें पता क्या जाना, कहां क्या करे, क्या होटल ही है। हम मतलब टाइम देखो प्रॉपर 12:02 पहुंचे और हमें 12 बजे पहुंचना था। गया बेटा फोन में लग ले। आदि को बहुत मजा आता है मजे लेने बच्चे के वाले। अभी वाकी बीवी ने बचा लिया उसे तो अभी तैयार करने से दब जाता। तब मेरे को आदि के बारे में पता ही है, बाहर का नहीं खाता। मेरे साथ पहली बार शेर क्लासिक मिला था, मैंने छोल चाल खाए थे, उन्होंने छोल चाल खाए थे, नहीं तो रुके। उसके बाद भी आपने कहाँ खाया था, हम कहाँ थे, उसके बाद भी उन्होंने एक जगह खाया था जो नहीं खाते हैं। आज इतने सारे कैफे हैं इधर हम हौस खास में, लेकिन इन्हें क्या समझ में आए, वहाँ छोले कुलचे वाला खड़ा है वो खाएंगे। खुशी की वजह से बोलना पड़ा मुझे। लड़के की सादगी देखो कि इसे इतने बड़े उसमें कुछ नहीं है, उसको छोले कुलचे पसंद है, वो छोले कुलचे खाएगा। ऐसे भी लोग है जो सोफे ब्लेड मार के चले जाते हैं। आदि के लिए 5-star होटल वाला सोफा है। ये अच्छा है वैसे, इस पे बैठ सकते हैं, दिक्कत थोड़ी है। बहुत डेकोरेशन है उसके ऊपर। बेचारे की ब्लेड मार मार के और ये सोफा भी तोड़ दिया। तुम्हारे उधर के छपरी लोग होंगे। एक्सक्यूज मी, पूरी वाले प्लीज, गोकलपुरी। हाँ, इतने बदनाम कर रखा है ना हमारे शादरा को तो इन्होंने। शादरा में इतने छपरी रहते हैं ना ब्लेड लेके, यहाँ ब्लेड लग कर लगा हर जगह रहते हैं, हर इलाके में रहते हैं, हर इलाके में रहते हैं। हमारे शादी का नाम खराब कर दो। देखो मेरे टैटू कैसे लगे तो बताओ। टैटू मस्त लग रहा है, तुम्हारी क्लियरिटी अच्छी है टैटू की। रोल बनवाया इसने, देखो भाई ये छोले अलग रखे हैं, इन्हें अलग खाएगी। और ये नहीं तुम्हारे, ये मेरे, ये है तुम्हारे, ये है फिगर उसकी है, नमक और इसमें कुछ नहीं है। सो गाइस रील्स का शूट चल रहा है, कैसी वीडियो बनाई मुझे दिखा दो। क्या अरे काट दिया तुमने, ये गलत बात है यार। पूरा क्यों नहीं दिया? काट क्यों दिया, मेरे पैर कहाँ है? ये चाहता नहीं है तुझे सुंदर दिखे। इन्होंने मेरे को काट दिया जान बूझ के। अरे यार तेरा बहुत दिन से करके थक चुके हैं। हे आदि भाई सही से करेंगे। अलग डिजाइन फ्लाईओवर बने, अलग ही आए हैं फ्लाईओवर बने हुए यार। ये अब देखिए ब्लॉग में मेन अट्रैक्शन भी शिवानी है, मैं तो लूंगी। पराठा तो खा सकते हो, चिकन वाला पराठा। चिकन वाला थोड़ी है आपका। अच्छा बस हमें कुछ नहीं करना अभी, हमें 2-3 वीडियो बनानी है अगर बनानी है तो, वरना उसके बाद हमें घर जाना है। बीच में कुछ काम है, उसके बाद आज जिम जाना जरूरी है। कैच द बाय हुक और बाय, चाहे 10 बजे जाऊँ लेकिन जिम जाना जरूरी है। मैम ने तैयार कर दिया मुझे मुश्किल से 2 मिनट में, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ
और ऊपर चलते हैं अभी सबके साथ वीडियो बना के आते हैं। ये इन्होंने हमें गिफ्ट दिया है सबके लिए, हैप्पी बर्थडे दिवाली। उन्होंने मेरी वीडियो ना ऑडियो मैंने ऑन करके चेक किया था तो मेरी वीडियो ना बन गई। पिंक वॉच मिली थी, हमने चेंज कर दी, ब्लू ले ली। मम्मी एक से जाना दिवाली पार्टी में, तो इसने क्या पहना है, इसने पहना जूते, इसके नीचे इसके ऊपर पहने थे हमारे स्पोर्ट्स वाली। ये आरजी जी हमें देख रहे हैं जैसे भी शीशे में से कि 2 मिनट में जिम के कपड़े और 2 मिनट में शादी के लिए तैयार हो सकती है। शादी पे भी शूज ही पहनूंगी, देख ले। और ये मेरे को डायरेक्ट जिम छोड़ रहे हैं। अभी इनकी भी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं भी थोड़ी बीमार हूँ, थोड़ी हल्की बहुत खांसी मुझे हो रही है, जुकाम भी नहीं हो रहा है, जब से आए ही कर रहे हैं। और अभी आपको हमारे साथ में बहुत सारे व्लॉग देखने वाले हैं क्योंकि अभी हम पाँच दिन बाद हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आपको पता होगा वहाँ पे शेरू क्लासिक तो शॉपिंग कर ली तुमने, नहीं करनी है उसके बाद। अभी शॉपिंग भी तो करने जा रहे हैं। अभी दो दिन बाद या एक दिन बाद और हम मिलेंगे दिवाली के बाद। बोलूँगी आप दवाई खा लो प्लीज, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लफड़ा नहीं चाहिए। मैंने बिल्कुल किसी को मत बताना, मैंने तुम्हारा आधा घंटा किसी को मत बताना। ठीक है, ये एवरी टाइम फिटनेस आ गया मेरा जिम। सुबह से जिम में अभी वर्कआउट करने बुरी लग रही हूँ मैं, हमेशा ही घर आ चुकी हूँ। और आज भैया आज धनतेरस है तो मम्मी थोड़ी उदास है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं धनतेरस पे बाहर नहीं गई फैमिली के साथ। मैं वहाँ से आके जिम चली गई थी, आके नहा ली और भूख लग रही थी तो मम्मी ने मेरे लिए दूध ब्रेड बना दी। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाइन में है और एडिट नहीं कर पा रही थी, इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा और खांसी जुकाम की वजह से बिल्कुल आईपैड यूज़ नहीं कर पा रही थी। अब आपको ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं और आप मुझे प्यार करते हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और आई लव यू, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाई।